मुस्कुराहट होती है ऐसा कभी खत्म नहीं होता। पर उस रात शहजादी को उस शख्स को देखना पड़ा जिसकी वो खुफिया तौर पर तारीफ करती थी। उसने इसके अपने ही बाप बादशाह को कत्ल कर दिया। वजीर आजम के धरे ने सब कुछ तरतीब दिया और अमीर को तख्त पर कब्जा करने दिया। इन्होंने बादशाह और शहजादी की मौत का ऐलान कर दिया। शहजादी को महफूज रखने के लिए मुझे इसे सल्तनत से बहुत दूर ले जाना पड़ा। एलेनोर, बराए करम इस डरावने ख्वाब को दूर कर दे। शहजादी, मैं आपकी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपका तख्त दोबारा हासिल करने में आपकी मदद करूंगा। हर चीज का एक सबब और असर होता है। मैं लड़ते लड़ते बहुत थक गई हूँ। अब मैं सिर्फ इन चीजों से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मुकफ़ात अमल इनसे निपट ले। लेकिन चीजें वहाँ नहीं रुकती। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क इंतशार का शिकार हो गया। खाना जंगी मुसलसल चढ़ती रही। लोगों ने ना माना। अदालत ने जुल्म किया। जिंदगी रफ्ता रफ्ता अजीरन हो रही। बेलनोर, हम इस तरह लोगों की जिंदगी अजीरन होते नहीं देख सकते। मेरे वालिद सुकून में नहीं रह सकते। हमें चार अफसानियों को तलाश करना होगा। दिन ब दिन शहजादी मजबूत होती जाती। सख्त तरबियत करती और मुसलसल तलाश करती। एक दिन तक जब शहजादी ने खतरे में पड़ने वाले एक शख्स को बचाने के लिए तकरीबन अपनी जान कुर्बान कर दी। चारों अफसानवी नमूदार हुए और शहजादी को बचाया। शहजादी वही एक है। चार अफसानवी की मदद से चीजें आहिस्ता आहिस्ता मदद में वापस आ गई। जालिमाना जंगें खत्म हो गई। एक सख्त रहनुमा और सबसे ज्यादा वफादार हामियों के साथ बादशाहत में अमन लौट। और आखिरकार आज शहजादी और मेरी शादी का दिन है। उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हमारी शहजादी वक्तन फवक्तन मेरी तरफ मोहब्बत दिखाने लगी। मैं जो उनके हमेशा उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहता हूँ, मैं इसके साथ रहूँगा।